हेलो एवरीवन, दिस इज सविता चौहान। वेलकम टू एमबीडी आर्या मॉडल स्कूल, क्लास 9, सिविक्स, चैप्टर 4, वर्किंग इंस्टीट्यूशंस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस। कौन से जो क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज हैं, एक एक टॉपिक जो आपकी बुक में दे रखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको इजीली आप समझ सकें कि हम टॉपिक रीड कर रहे हैं तो उस तरीके से कैसे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं एग्ज़ाम में। एक्सप्लेन, सबसे पहले हम देखेंगे एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन SEBC, यानी इसको इसकी फुल फॉर्म बतानी है और इसको एक्सप्लेन करो एक्चुअली में SEBC क्या है। SEBC स्टैंड फॉर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, यानी जो इकोनॉमिकली कहें या फिर हम सोशली कहें, समाज के अंदर जो एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है एजुकेशन में भी और इकोनॉमिकली, इनकम के बेस पे अगर हम देखें बहुत ही ज़्यादा वो पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। SEBC इज अनदर नेम फ्रॉम ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये SEBC एक दूसरा नाम है जिस जो इस कास्ट में से बिलोंग करते हैं, तो ये गवर्नमेंट ने इस नाम को कंसीडर करा है बैकवर्ड, इस बैकवर्ड क्लासेस के लिए। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अभी तक तो आपने देखा था जो रिजर्वेशन होती थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की होती थी, बट अब न्यू थर्ड कैटेगरी जो है वो क्या है, SEBC। यहाँ पे डी की जगह आप क्या कर लीजिए, एस कर लीजिए, ठीक है, SEBC, यानी अभी थर्ड कैटेगरी है जो कि इंट्रोड्यूस करी गई है बाय द गवर्नमेंट। ओनली पर्सन हु बिलोंग टू बैकवर्ड कास्ट, जो बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करता है वही इस एलिजिबल है कोटा 27% ऑफ जॉब्स, यानी जो गवर्नमेंट जॉब हैं उसके अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं SEBC के में जो आते हैं, यानी इनकमली बहुत ज़्यादा पुअर हैं, तो वो एलिजिबल करते हैं गवर्नमेंट जॉब में, उन्हें कोटा मिलेगा एंड अदर कुड नॉट कॉम्पीट फॉर द जॉब्स। और जो दूसरे हैं जो इस बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आते वो इसके लिए कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो ये था SEBC। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू नो बाय द टर्म ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम किसे कहते हैं, वैसे तो हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक ऑर्डर है जो इश्यू करता है गवर्नमेंट, जैसे कि आपके स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल है और वो करिकुलम जो कि सर्कुलेट करते हैं बनाते हैं, तो वो कहाँ से निकलता है, प्रिंसिपल मैम के ऑफिस से, जब जाके क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आप इंट्रोड्यूस करते हो। तो सेम ऐसे ही होता है, स्टूडेंट जो कि एक ऑफिस मेमोरेंडम है यानी उसको गवर्नमेंट इश्यू करती है, यानी आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझो वो एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ की स्टेटिंग है किसी भी पॉलिसी और डिसीजन को लेके, यानी वो बताने वाले हैं कि एक्चुअली में वो इशू और वो ऑर्डर किसके ऊपर है। तो वो एक ऐसा कम्युनिकेशन है बाय द गवर्नमेंट, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आ ऑर्डर इशू बाय द गवर्नमेंट। फिर हम देखेंगे हु आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो फंक्शनरीज हैं वो कौन कौन हैं एक्चुअली में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हैं और जो सारे फंक्शंस करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज जिसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कौन कौन है, फर्स्ट है प्रेजिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, यानी जो फर्स्ट पे है वो प्रेजिडेंट है, जिसको हम कंट्री का फेस कहते हैं, यानी हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है जिनको, लेकिन जिसके नाम पे सारे वर्क होते हैं, यानी प्रेसिडेंट को आप ऐसे कंसीडर करो जैसे कि आपकी फैमिली में जो हेड है आपके दादाजी हैं और उनके नाम पे ही, उनसे ही पूछ के आप कोई भी सेरेमोनियल फंक्शंस आप अपनी फैमिली में करते हैं, यानी फर्स्ट आप उनसे पूछते हैं जब जाके आप घर में कोई भी फंक्शन या कोई भी काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का के पास वो हैं जिसे हम कह सकते हैं जिनके पास हाईएस्ट अथॉरिटी है और हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, यानी वो कंट्री को प्रेजेंट करते हैं, इन्हीं के नाम से सारे काम होते हैं, सारे फंक्शन होते हैं, तो इन्हीं को सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल द गवर्नमेंटल पावर्स। सेकेंड नंबर पे अगर हम बोलें प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि सारी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, ही टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स, जितने भी कैबिनेट में जो मीटिंग्स होती हैं उसके जो डिसीजन लिए जाते हैं कौन लेती है, जो हमारे गवर्नमेंट है लाइक प्राइम मिनिस्टर PM है। तो ठीक है, प्रेजिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, फंक्शन
फंक्शनरीज़ यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट के काम करने के लिए कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि वर्क करती हैं। नेक्स्ट में है थर्ड में अगर देखें पार्लियामेंट, इसके अंदर टू हाउसेज होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव टू सपोर्ट ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स, यानी प्राइम मिनिस्टर भी जब तक ही अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं जबकि उनको लोकसभा में उनको मेजोरिटी और सपोर्ट मिले। तो दैट मीन्स ये आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ कंट्री यानी गवर्नमेंट के जितने भी हैं वो कौन कौन हैं। आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट, ये फंक्शनरीज हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट वाज द मंडल कमीशन। अब मंडल कमीशन क्या है और व्हाई वाज इट अपॉइंटेड, इसको अपॉइंट क्यों किया गया एंड व्हाट वाज द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमीशन, और इनकी रिकमेंडेशन क्या थी। ठीक है, इनको मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया तो इनकी कुछ रिकमेंडेशन थी, सजेशन थी, वो हम रीड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक वाइज मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ इसको केयरफुली समझिए। द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यानी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने के लिए कमीशन बनाई गई। कब बनाई गई, 1979 में। इनके हेड थे वीपी मंडल, तो इन्हीं के नाम पे ये जो कमीशन है उसका का नाम रखा गया मंडल कमीशन। ठीक है, इट आस्क टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया एंड रिकमेंडेशन स्टेप टू बी टेकन फ्रॉम दियर एडवांसमेंट। दैट मीन्स जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड हैं उन क्लासेस के लिए इनसे बोला गया कमीशन से, मंडल कमीशन से, कि आप अपनी रिकमेंडेशन दो ताकि उनका एडवांसमेंट किया जा सके यानी अपलिफ्टमेंट किया जा सके, उनको अपर स्टेटक के मुकाबले में लाया जा सके क्योंकि बहुत ही पुअर हैं और बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड में आ रहे हैं सोशली भी और इकोनॉमिकली। तो इनको बोला गया कि आप उनके लिए कुछ रिकमेंडेड करें और कुछ ना कुछ सजेशन हमें दें। तो अब ये जो कमीशन होती है अपनी रिपोर्ट 1980 में क्या कर देती है, रिकमेंडेशन देती है। इसको जो 1979 में अपॉइंट किया गया था 1980 में अपनी रिपोर्ट देती है और क्या देती है, वन ऑफ दीज वॉज उसमें सजेशन में रिकमेंडेशन में एक ये था कि 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स वी रिजर्व फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ये अब इम्पॉर्टेंट है, यानी क्या दिया था रिकमेंडेशन, यानी जब गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उसके अंदर उनका कोटा रखा जाए यानी 27% उनके लिए ही रखा जाए, कोई और उस सीट के लिए कॉम्पीट ना करे क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये बैकवर्ड रह गए हैं अगर उन्हें हमें आगे लेके आना है तो उनके लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टेट एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉमिस इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो यानी जो एक घोषणा पत्र होता है जो सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। अब जनता दल इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1989, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं 1989 में, तो लोकसभा तो जनता दल जो उस टाइम पे पार्टी होती है वो क्या प्रॉमिस करती है इलेक्शन के मैनिफेस्टो में, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में एक जनता दल जो है वो प्रॉमिस करती है अगर आप हमें वोट करते हैं, हम पावर में आते हैं तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है 27% रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब, तो हम उसको क्या करेंगे, लागू करेंगे। द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर द इलेक्शन, जब जनता दल अब जीत के लोकसभा के इलेक्शन में पावर में आती है तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, इस काम को करती है, इसको इम्प्लीमेंट कर देती है इस मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को। उस टाइम पे वीपी सिंह होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली इलेक्शन के टाइम पे मिनिस्टर्स जो होते हैं प्रॉमिस करते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ऐसे रिकमेंडेशंस को मोस्टली इलेक्शन के टाइम पे ही उठाया जाता है। व्हाट वाज द रिएक्शंस ऑफ द पीपल व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइड द रिजर्वेशन ऑफ 27% ऑफ सीट्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। अच्छा चलो ठीक है, 27% गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि अब दिया जाएगा रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो अब हम देखेंगे लोगों ने इसके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट को देखेंगे, क्या सोच रहे थे इसको लेकर। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई लॉ बन जाता है और रिकमेंडेशन हो जाती है, ठीक है गवर्नमेंट इसको पास कर देती तो सब हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं, कुछ तो उसको नेग्लेक्ट करेंगे ना। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट सम ऑफ विच वर वायलेंट, ये कुछ लोग इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे और कई जगह हिंसा भी देखने को मिली। कुछ लोगों ने महसूस करा कि जो ये इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में कास्ट बेस पे लेकर, तो अगर हम देखें नेसेसिएट जॉब रिजर्वेशन, तो ये जो आप रिजर्वेशन कर रहे हैं ये और भी ज़्यादा क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी इनइक्वालिटी को कास्ट बेस पे।
ऑलरेडी हमारा इतना डिफरेंसेस पाया जाता है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी। दे फेल्ट लोग महसूस कर रहे थे कि गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटीज़ हु सो फार हैड नॉट एडिक्वेटली बीन रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी ये उन कम्युनिटीज़ के लिए सही नहीं होगा। फेयर अपॉर्चुनिटी तो उनके लिए तो है जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, हु सो फार हैड नॉट एडिक्वेटली, यानी जो बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, तो उनके लिए तो ये क्या है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन कम्युनिटीज़ के लिए जिनको जॉब नहीं मिल पाती हैं, वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। तो पॉजिटिव भी है, कुछ लोगों ने उसको फेयर बोला कि ठीक है, गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी, उनको फेयर उन्होंने महसूस करा कि दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी, ये एक फेयर अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जो कम्युनिटीज़ बहुत पीछे रह गई हैं, जो गवर्नमेंट में अभी तक एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल रहा था, मिल जाएगा तो सही है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा होगा। कुछ महसूस कर रहे थे कि ये अनफेयर है, कि नहीं, ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात अगर आप करते हो कि सबको समानता मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी में, तो इसका डिनाय होगा, यानी ये तो उसको इनकार कर रहे हो आप। फिर या तो फिर आप इक्वलिटी की बात मत करो कि भाई सबको समानता का अधिकार है अपॉर्चुनिटी में, सबको समान अवसर मिलेंगे। दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज़, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ से बिलोंग नहीं करते उनके साथ तो फेयर नहीं होगा, उनके तो मतलब ये जॉब्स को कहीं ना कहीं 27% उनसे छिन रही है ना, तो दे वुड बी डिनाइड जॉब्स, यानी उनकी जॉब्स ली जा रही हैं, एंड इवन दे दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड, जबकि वो ज़्यादा क्वालिफाइड होने के बाद भी उनको अब जॉब नहीं मिलेंगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि ये तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के डिनाई है, यानी ये उसके खिलाफ है। तो यहाँ पे फिर कुछ लोगों ने महसूस करा वुड परपेटुएट कास्ट फीलिंग अमंग पीपल एंड हैम्पर नेशनल, ये नेशनल की यूनिटी को बाधा करेगा, यानी कहीं ना कहीं उसकी हमारी जो कंट्री की यूनिटी है उसको कमज़ोर करेगा, और कास्ट की जो फीलिंग है लोगों के अंदर परपिचुएट करेगा, यानी कहीं ना कहीं उसको स्तर रूप में डाल देगा, फीलिंग आ जाएगी कि हाँ भाई ये तो बैकवर्ड क्लासेस के हैं, छोटी कास्ट के हैं, तो इसीलिए इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अगर इक्वलिटी की बात की जा रही है तो फिर मतलब टैलेंट के बेस पे आना चाहिए ना, तो ये तो उनको लगा कि नहीं, ये तो एक यूनिटी के अगेंस्ट है कि एक मतलब 27% रिजर्वेशन उनको दिया जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ये ध्यान देने वाली भी बात है कि वो इतने बैकवर्ड हैं, इतने बैकवर्ड हैं कि अगर उनके लिए वर्क नहीं किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा वीकर सेक्शन है कि वो अपने आप अपलिफ्टमेंट नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये रिजर्वेशन का रखा गया कि अगर वो इतने वीक हैं कि अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो कम से कम गवर्नमेंट तो उनके लिए करेगी ना, कि जिससे कि वो इतने बैकवर्ड रह गए हैं कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपलिफ्टमेंट कर सकें, तो इसीलिए रखा गया था। तो अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव इस चीज़ को सोचेंगे तो वो भी रॉन्ग होगा, हमें इसके पॉजिटिव भी सोचने चाहिए कि कहीं ना कहीं जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड रह गए उनके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वही सोच के किया गया था। नेक्स्ट हम देखें हु सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजन, इंडिया, अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है और उसमें कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा, उसको रिजॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंडिया का, जो भी सेटल जो भी डिस्प्यूट हो जाता है गवर्नमेंट के डिसीजन को लेके, तो उसको सेटल कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। व्हाट वॉज द इंडिया इंदिरा साहनी एंड द अदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ, हाउ वॉज इट सेटल्ड, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे सेटल करा वो हम रीड करेंगे। सम पर्सन एंड एसोसिएशंस अपोज द ऑर्डर रिगार्डिंग रिजर्वेशंस ऑफ जॉब जॉब्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड फिल्ड अ नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स। अब आपने देखा था कि 27% जो रिजर्वेशन है उसको लेकर कुछ लोग अनफेयर महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, इस रिजर्वेशन के रिगार्डिंग फाइल कर दिया केस, और कोर्ट्स में बहुत सारे लोगों ने फाइल करा, तो दे अपील टू द कोर्ट डिक्लेयर ऑर्डर इनवैलिड, उन्होंने अपील करी कि इस गवर्नमेंट के जो ये ऑर्डर है उसे इनवैलिड घोषित कर दिया जाए, स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और इसको लागू होने से रोका जाए। तो इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बंच बहुत सारा जो नंबर ऑफ केस आ रहे थे इसका एक बंच बनाया और इसको केसेस को टुगेदर करा और इसको नाम दिया इंदिरा साहनी एंड जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा था इसलिए से वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंडिया केस के नाम से जाना गया।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंदिरा साहनी नाम दिया जनता के केस को, और किसके वर्सेस में हो रहा है, यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो अब जो भी केस था, तो इसके इसकी सुनवाई किसने करी, 11 जजेस थे जो सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने इसकी सुनवाई सुनी, दोनों पक्षों को सुना। मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 1992 में डिक्लेयर करा कि जो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला है वो वैलिड है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ पे उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कि मॉडिफाई करो, यानी जो आपका ओरिजिनल ऑर्डर है उसमें मॉडिफाई करो। क्या मॉडिफाई करना है, यानी जो अच्छे वेल डू पर्सन है, यानी बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो पिछड़ी हुई कास्ट है या जो लोग हैं, उसके अंदर भी कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो उनको इस बैकवर्ड क्लासेस के शेड्यूल से बाहर निकाल दो, शुड बी एक्सक्लूडेड, यानी उनको बाहर कर दो फ्रॉम द गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, यानी उनको ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। यानी जैसे किसी की 8 लाख से ज़्यादा एनुअली इनकम है, तो उसको इस क्राइटेरिया में ना लिया जाए, कि जिससे कि जो एक्चुअली में हम बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो अपलिफ्टमेंट का काम कर रहे हैं उनके लिए ही करें। तो ये उन्होंने बोला कि मॉडिफाई करें। तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अनदर ऑफिस मेमोरेंडम, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इसको फिर से अनदर इशू को, मेमोरेंडम को सितंबर 8, 1993 में इशू करते हैं पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, और जो भी डिस्प्यूट था जो पहले था वो अब एंड हो जाता है, और ये पॉलिसीज़ क्या होती है, फॉलो हो जाती है सिंस देन, जब ही से 1993 से। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से, कि अगर गवर्नमेंट के किसी भी रूल के अगेंस्ट प्रॉब्लम है तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको रिजॉल्व कर सकता है। मैंशन सम ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। अब आपने देखा होगा कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बताइए, एंड व्हाट इज़ देयर मेन रोल, और एक्चुअली में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के क्या रोल होते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, दैट मीन्स जो कि कहीं ना कहीं वो चुन के आए हुए हैं, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि हम पहले एग्जांपल में देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसीज डिसीजन, और ये सभी, इनके फंक्शन क्या हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होंगे वो यही करेंगे, डिसीजन लेंगे। सिविल सर्वेंट्स एंड वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन, और ये सिविल सर्वेंट्स का क्या काम होता है, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो अपना जो डिसीज़न लेते हैं, ये उनको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं मिनिस्टर्स के डिसीज़न को, यानी जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं उनको सिविल सर्वेंट जो हो गए, जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट का काम होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सिटीजन के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में, तो उसको रिजॉल्व करना, फाइनल सेटल्ड करना होता है। तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी हैं, और उनके मेन रोल भी इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्री, यानी हमें ज़रूरत ही क्या है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की हमारी कंट्री में, एंड व्हाट आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, एक्चुअली में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं। सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजंस एंड हाउ टू गो अबाउट गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट की सभी एक्टिविटीज़ उनके द्वारा की जाती है, और कुछ क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजंस को, लागू करते हैं, और कुछ क्या होते हैं जो अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको उसको रिजॉल्व करते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है, अलग अलग होता है अगर आप देखेंगे इनका, एंड दीज डिसीजन और इन देयर इम्प्लीमेंटेशन देयर शुड बी समवन टू डिटरमाइन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो डिस्प्यूट अगर हो जाता है किसी भी इम्प्लीमेंटेशन को लेके, गवर्नमेंट की कोई एक्टिविटीज़ है उसको लेकर, तो थर्ड जो इंस्टीट्यूशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो हाई कोर्ट हो गया, वो क्या बताते हैं कि क्या गलत है क्या सही है एक्चुअली में, तो ये काम भी इंस्टीट्यूशन का ही होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के। टू अटेंड ऑल दिस टास्क सेवरल अरेंजमेंट आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज, जितने भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उसके अंदर ये सभी टास्क और अरेंजमेंट के सिस्टम में किया गया है, और इन्हीं को हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, यानी जो सभी अरेंजमेंट सभी सिस्टम का जो वर्क होता है वो करते हैं। गवर्निंग आ कंट्री इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटीज़, कंट्री के अंदर वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं जो गवर्न की जाती हैं, करी जाती हैं। एग्जाम्पल में अगर लें, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है एंश्योर सिक्योरिटी टू द सिटीज़न,
यानी गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी देखे, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, किस चीज़ की, एजुकेशन की, हेल्थ की, ये सब काम होता है गवर्नमेंट का। और वो इसके लिए क्या करती है, टैक्स वसूल करती है, टैक्स लेती है, और वो खर्च करती है किस पे, एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस पे एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस पे और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे खर्च करती है, जिससे कि ज़्यादा से जनता को वो क्या, सिटीजन्स को क्या दे सके, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में यहाँ पे बोला है जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं पब्लिक के लिए। और इसमें ये भी बोला है कि डेमोक्रेसी वर्क वेल, एक डेमोक्रेसी जब भी अच्छी तरीके से काम करती है जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अपना अपना काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शंस को जो उनको दिए जाते हैं। भाई जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो अपना काम करेंगे, पीएम हो गए, सीएम हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, और फिर उनके जो सिविल सर्वेंट्स हो गए, यानी जो जिसे हम परमानेंट कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं, तो अगर ये अपना अपना काम करते हैं तो क्या करेंगे, सही है, क्योंकि वो फिर अच्छी तरीके से वर्क हो पाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, व्हाट डू यू डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशंस, कि डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो इंस्टीट्यूशंस को इंसिस्ट क्यों करती है, क्यों उतना उस पर जोर डालती है कि वो होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। कुछ रीज़न है, क्योंकि डिले होना बहुत अच्छी बात है, कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस बाय द इंस्टीट्यूशंस आर वेरी यूज़फुल, इंस्टीट्यूशंस की वजह से जो भी डिले होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो यूज़फुल ही होते हैं। जैसे कि आपने मंडल देखा था कि भाई जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी कि उनको एक वो सजेशन देनी थी, रिकमेंडेशन देनी थी, फिर वो पार्लियामेंट में जाके क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, जो वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो एड्रेस करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, फिर पीएम है जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को बताते हैं हम ये लॉ लेके आने वाले हैं, और फिर उसको फिर लोकसभा राज्यसभा में डिबेट किया जाता है, उसके बाद वो पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में सिग्नेचर होने के लिए जाता है, और इतना लॉन्ग प्रोसेस होने के बाद अगर कोई काम होता है तो दैट मीन्स वो एक अच्छा रिजल्ट देता है, बेटर रिजल्ट देता है। मतलब कोई भी लॉ बनाना है, ऑर्डर इशू करना है, मेमोरेंडम इशू करना, इसका मतलब ये नहीं कि आज सोचा और हो जाएगा, नहीं, इसका एक लॉन्ग प्रोसेस है पूरा। जैसे कि मैंने बताया कि वो पहले उसको कमीशन बनाई है, फिर उसको सजेशन दिया उन्होंने, फिर उसके बाद उसको अगर लागू करना है तो पार्लियामेंट के अंदर वो लॉ बनेगा। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, और ये अच्छा है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर साइट ऑफ पीपल टू बी कंसल्ट इन एनी डिसीजन, यानी ये अगर लोगों की व्यू को दिखाने वाला होता है इंस्टीट्यूशन, यानी एक कंसल्ट करके किसी भी डिसीजन को एक बेटर रूप देता है, मतलब प्रोवाइड कराता है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि लोगों की, क्योंकि जो लोग हैं वो डायरेक्ट खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उनके कहीं ना कहीं उनके फ़ायदे के लिए काम करना होता है, उनका व्यू होता है, तो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि हाँ ये एक वाइडर साइट है लोगों की तरफ से, क्योंकि जनता के लिए ही काम किया जा रहा है, तो हर डिसीजन को बहुत ही ज़्यादा कंसल्ट किया जाता है। और अगर हम देखें डिफ़िकल्टी टू हैव अ गुड डिसीजन, अब भाई कई बार क्या है, गुड डिसीजन के लिए ठीक है एक डिफ़िकल्टी होती है, और टेकन वेरी क्विकली, तो यानी इंस्टीट्यूशंस में की डिफ़िकल्टी, उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो फेस होती है टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली, केस नहीं आसानी से लेना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी डिसीजन को, क्योंकि उसको एक लॉन्ग प्रोसेस पास करना होता है। बट ये तो और भी अच्छा है क्योंकि कई बार इक्वली देखेंगे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है बैड डिसीजन के लिए भी, यानी ऐसा ना हो कभी गलत कोई डिसीजन आ रहा है और वो बस फटाफट से लॉ बन गया, नहीं, उसको भी उतना ही डिबेट पार्लियामेंट में होगी, अगर मेजोरिटी सपोर्ट मिलता है तभी वो पास होगा लोकसभा से। तो ऐसा ही है कि भाई वो फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट उस पर कंसिडर करते हैं, फिर साइन करेंगे, जब जाके वो फिर पास होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे बोला है कि अगर ठीक है इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लिया जा रहा पा रहा कोई भी गुड डिसीजन, तो बैड डिसीजन में भी उतना ही टाइम लगता है कि अगर वो गलत है तो वो रुक जाएगा, स्टॉप होने के लिए उसको इनफ टाइम मिल जाता है।
तो एक कंडीशन बताइए कि हाँ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, वो एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, एक लॉन्ग टाइम ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन डिसीजन अच्छा निकलेगा। व्हाट डू यू इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व, अब कौन कौन ये इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, एंड वाई इज़ वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस नॉट ईजी, और इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना एक ईजी नहीं होता, क्यों? अगर हम देखें इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व करते हैं बहुत सारे रूल रेगुलेशन जो कि सबको फॉलो करने होते हैं, चाहे PM है, CM है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, मतलब तो सबको ही एक रूल रेगुलेशन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज ही क्यों ना हो, सबको लॉ रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के। तो ये बाइंड करके रखते हैं हैंड्स ऑफ लीडर्स, जितने भी लीडर्स हैं, ऐसा ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा अपनी पावर को एक्सरसाइज करें, तो सबके ही हैंड्स लॉ के अकॉर्डिंग बन जाते हैं। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग्स, कैबे और कमिट्स एंड रूटीन्स, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें मीटिंग्स होती हैं, कमेटीज़ हैं जो रूटीन्स के अकॉर्डिंग उनको करनी पड़ती हैं, तो दे हैव ऑफन लीड्स टू डिले कॉम्प्लिकेशंस, कई बार बहुत ज़्यादा इनकी वजह से डिले भी हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं इंस्टीट्यूशंस की वजह से, बट देयर फॉर डीलिंग विद द इंस्टीट्यूशंस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। हाँ यही चीज़ है जिसे हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कई बार जो ये डीलिंग होती हैं बार बार डिसीजन लेने में, मीटिंग्स होने में या रूटीन वर्क होने में, तो ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे यही बोला है कि व्हाट डू इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व, क्या होता है उसके अंदर, रूल और रेगुलेशन होते हैं, और वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना कई बार क्यों ईजी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो वो उसका आंसर है कि भाई डिले, कोई भी जो डिले और कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये इंस्टीट्यूशन फ्रस्ट्रेटिंग लगने लग जाते हैं। व्हाट इज़ द पार्लियामेंट, हम पार्लियामेंट किसे कहते हैं, पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ हम कह सकते हैं लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के जितने भी लॉ बनेंगे वहाँ पे पार्लियामेंट में ही बनेंगे। ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर एक इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं चुनाव लड़के जाते हैं, तो वो जनता के बिहाफ पे जाते हैं और वो उनके पास सुप्रीम पॉलिटिकल पावर होती है, अथॉरिटी होती है, और वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को पार्लियामेंट में, वहाँ पे जो वो मीटिंग करते हैं, बैठते हैं। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली, जो इंडिया की नेशनल असेंबली है उसमें भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही जाते हैं जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द बॉडी दैट मेक लॉ, ये जो बॉडी है क्या करती है, लॉ बनाती है कंट्री के लिए। एंड स्टेट लेवल दिस इज़ कॉल्ड द लेजिलेचर एंड लेजिलेटिव असेंबली, और अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो वो पार्लियामेंट हो गई, नेशनल असेंबली हो गई, लेकिन अगर हम देखें जो जो हमारी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वो नेशनल असेंबली है, पार्लियामेंट है, लेकिन जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लेजिलेचर और लेजिलेटिव असेंबली कहलाएगा। वट आर द वेरियस वे विच पार्लियामेंट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी, तो वट आर द वेरियस वे, वो कौन कौन से तरीके हैं जब पार्लियामेंट अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को एक्सरसाइज करता है, यानी यूज़ करता है, और हम कह सकते हैं कि वट आर द फंक्शंस एंड द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, फंक्शंस और पावर कौन कौन सी हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर द मेकिंग लॉ इन कंट्री, कंट्री के लिए अगर कोई लॉ बनाना है तो फाइनल अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास ही है जहाँ लॉ बनते हैं। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉ, पार्लियामेंट के अंदर न्यू लॉ बना सकते हैं, जो पहले से एग्जिस्टिंग लॉ है उनको उनको चेंज किया जा सकता है और एबॉलिश किया जा सकता है, जो पहले से ही एग्जिस्टिंग लॉ है उन्हें ख़त्म किया जा सकता है, मेक न्यू वन इन देयर प्लेस, और उनकी जगह पे नए लॉ बनाए जा सकते हैं। तो ये सब प्रोसीजर कहाँ होता है, पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, और उसमें ये पार्लियामेंट क्या करता है, सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट चला रहा है उसकी पावर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम पार्लियामेंट करता है। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इनडायरेक्ट एंड फुल, यानी कहीं ना कहीं देखें तो जो गवर्नमेंट है उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कंट्रोल करने का काम पार्लियामेंट का है, क्योंकि वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा के जो मेंबर हैं उनका सपोर्ट चाहिए होता है, मेजोरिटी चाहिए होती है किसी भी डिसीजन पे,
पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी एंड द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो खुद का तो है नहीं, वो जनता का होता है, तो पार्लियामेंट के अंदर ही सारे मनी मैटर कंट्रोल किए जाते हैं। यानी मोस्ट कंट्रीज इन एनी द पब्लिक मनी, क्योंकि पब्लिक की मनी है, कैन बी स्पेंड, उसको उन पर खर्च करना है, तो ओनली वैन द पार्लियामेंट सेंशन इट, जब पार्लियामेंट उसको सेंशन करेगा तभी गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि उस पर वो पास होगा कि भाई कितना, किस डिपार्टमेंट को कितना मनी प्रोवाइड करानी है बजट के अकॉर्डिंग। पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिसीजन एंड डिबेट ऑन द पब्लिक इशू। पार्लियामेंट के अंदर ही एक जो पब्लिक इश्यूज़ हैं वो डिबेट किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही सही और गलत की दोनों की बहस होती है, जिससे पता चलता है कि हाँ वो कंट्री नेशनल पॉलिसी और जो कंट्री के लिए नेशनल पॉलिसी है वो सही है या गलत है। तो पब्लिक इश्यूज़ और नेशनल पॉलिसीज़ पे डिबेट कहाँ होती हैं, पार्लियामेंट पे भी में ही होंगी। और पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है किसी भी मैटर के ऊपर, अबाउट ऑफ जो भी लॉ है या फिर जो भी अभी एक्टिविटीज़ चल रही होंगी गवर्नमेंट की। अगर हम देखें बिटवीन द लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, तो लोकसभा क्या है, यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जो जनता के द्वारा चुना जाता है, चुने जाते हैं, और रियल पावर इन्हीं के पास होती है, क्योंकि इनको लोगों ने चुना होता है, ये बिहाफ ऑफ द पीपल के बेस पे आते हैं। तो लोकसभा जो है इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल भी, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुन के आए होते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा के अंदर सीट कितनी है, 552, लेकिन जो बट प्रेजेंटली इट स्ट्रेंथ किस कितनी है, 545। दैट मीन्स इसमें ये बोला है कि जो 542 में से 545 हैं जो कि अभी हैं इन प्रेजेंटली टाइम पे, जो मतलब इतनी सीट लोकसभा के अंदर हैं। लेंथ ऑफ द टर्म ऑफ लोकसभा जो है 5 ईयर के लिए होती है, तो इसमें भी स्टूडेंट 545 में से भी 2 सीट्स जो हैं वो किसके लिए, प्रेसिडेंट अपने पास रखते हैं, किसी को चुन सकते हैं, जैसे मैरी कॉम को अभी एमपी बनाया, लेकिन उन्हें 6 मंथ के अंदर अपनी इलेक्शन के द्वारा को मेजोरिटी दिखानी पड़ती है, अपने आप को प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पे जो 543 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, सीट हैं लोकसभा के लिए कि भाई वहाँ से एमपी चुन के आएंगे, और जो 2 सीट हैं यानी 43 सीट तो हो गई जो कि डायरेक्ट इलेक्शन के से ही चुन के आते हैं, और जो 2 सीट्स हो गई वो किसकी हो गई, 2 सीट्स हो गई प्रेसिडेंट जो अपनी इच्छा से चुन सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर भी प्रेसिडेंट द्वारा एमपी बनाए गए। द लेंथ ऑफ द टर्म ऑफ द लोकसभा इज़ 5 ईयर, 5 साल के बाद ही पूरे लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, मतलब जो हाउस डिसॉल्व हो गया उसके बाद अब नए मेंबर जो हैं वहाँ चुन के आते हैं। और कंप्लीशंस इज टर्म, पूरा चेंज हो जाता है। टेम्प्रेरी हाउस, इसे हम टेम्प्रेरी हाउस भी कहते हैं क्योंकि डिसॉल्व हो जाता है 5 साल बाद, इसे लोअर चैम्बर इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि ये चेंज हो जाता है। राज्यसभा में देखें तो जो इलेक्टेड इनडायरेक्टली यानी इसमें जनता नहीं भेजती है, जबकि जो एमपी और जो एमएलएज होते हैं वो उनके वोटों के द्वारा चुन के, ये जो मेंबर होते हैं वो चुन के आते हैं, किसमें आते हैं, इसमें राज्यसभा में, यानी जो एमएलएज होते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिलेटिव काउंसिल लेजिलेटिव होते हैं, ठीक है, एमएलए होते हैं असेंबली के, मेंबर ऑफ लेजिलेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो उनको वोट डाल के सीट्स के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट करके, वोटिंग के अकॉर्डिंग जो मेजॉरिटी से सेलेक्ट होकर आते हैं, तो वो यहाँ पे आके क्या करते हैं, आते हैं, क्योंकि इनको जनता नहीं चुन रही है, ये स्टेट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ठीक है, और इनडायरेक्टली आते हैं। लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स रीजन्स ऑफ फेडरल यूनिट्स, और ये बहुत सारे स्टेट्स के अपने अपने इनके इंटरेस्ट होते हैं, मैटर होते हैं जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, और फेडरल यूनिट्स के भी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो सेंटर के कंट्रोल में हैं, और सेंट्रल कहीं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करती है। इट इज़ ऑल्सो एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट के जो मैटर होते हैं उनको ये जो मेंबर होते हैं अपने अपनी बातों को, अपने अपने स्टेट्स के जो एक्टिविटीज़ होती हैं या प्रॉब्लम होती हैं उनको राज्यसभा में जाके प्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 250 है, और 245 स्ट्रेंथ अभी प्रेजेंटली है, यानी 245 में से जो 12 अगर आप देखेंगे तो प्रेजिडेंट हैं जो उनमें उस सीट में चुन सकते हैं,
वो उनकी मर्जी है। बाकी जो सीट रह जाती हैं वो सीट हैं जो जिस पे चुनकर मतलब जो चुनकर आते हैं, यानी जिन्हें कौन चुनता है, एमएलए जो उनको सिलेक्ट कर कर भेजते हैं अपने अपने स्टेट से। द लेंथ ऑफ द टर्म ऑफ द राज्यसभा इज 6 ईयर, और इनकी 6 ईयर की स्ट्रेंथ होती है। एंड 2 ईयर इट्स 1/3 मेंबर आर रिटायर, यानी अगर हम देखें तो ये हर 2 साल में 1/3 मेंबर चेंज हो जाते हैं, फिर यहाँ न्यू मेंबर आ जाते हैं, फिर दोबारा से 1/3 मेंबर चेंज हो जाते हैं 2 साल में, फिर यहाँ पे न्यू मेंबर आ जाते हैं, फिर यहाँ पे 1/3 मेंबर चेंज हो जाते हैं और न्यू मेंबर आ जाते हैं। तो ये परमानेंट हाउस होता है क्योंकि एक साथ तो डिसॉल्व होते ही नहीं है सारे के सारे मेंबर, तो इट इज़ नॉट अ सब्जेक्टेड टू डिसॉल्यूशन एंड इट इज़ अ अपर चैम्बर। इसीलिए अपर चैम्बर कहा जाता है कि ये कभी भी एक बार में डिसॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर वो जो 5 ईयर में जब लोकसभा के जो मेंबर होते हैं पूरी वो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो उस टाइम पे वहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजन या कुछ वर्क करने के लिए वहाँ पे कोई ना कोई राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, तो वो जो परमानेंट हाउस है वो उस टाइम पे उस चीज़ को देखते हैं। तो वो रिटायर पूरा का पूरा हाउस रिटायर नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता। तो ये हमने देखा कि राज्यसभा और लोकसभा के जो में क्या डिफरेंस है और इसको समझा। नेक्स्ट हम देखेंगे गिव एग्जांपल टू प्रूव दैट लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ज़्यादा पावर लोकसभा के पास है। विच हाउस एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन द मोस्ट मैटर इन कंट्री, और जो मोस्ट पावर है वो किसके पास है, तो वो हम देखेंगे कि विच हाउस दोनों में से किस हाउस के पास है। एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड टू बी पास, अगर कोई भी ऑर्डिनरी लॉ को पास होना है दोनों हाउसेज में पास होना बहुत ज़रूरी है। बट इफ़ देयर इज़ डिफ़िकल्ट बिटवीन टू हाउसेज, लेकिन दोनों हाउसेज के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, द फाइनल डिसीजन टेकन अ जॉइंट सेशन, तो दोनों का जॉइंट सेशन होगा फाइनल डिसीजन लेने के लिए। अगर बीच में दोनों के कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, तो इन विच द मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज सिट टुगेदर, तो वहाँ पे जॉइंट सेशन में दोनों हाउसेज के मेंबर बैठेंगे साथ में डिस्कस करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि ज़्यादा जो मेंबर हैं वो किसके होते हैं, लोकसभा के होते हैं, तो उनका ही प्रिवेल चलेगा, जो सच अ मीटिंग यानी उस मीटिंग में उनको ही वो मिलेगी ज़्यादा मंजूरी और ज़्यादा ही उनकी बात चलेगी, क्योंकि मेजोरिटी लोकसभा के मेंबर की है जो रूलिंग पार्टी है। तो यहाँ पे लोकसभा के पास ही फाइनल डिसीजन लेने की जो होती है पावर होती है। लोकसभा एक्सरसाइज करता है मोर पावर इन मनी मैटर, मनी मैटर पे भी ज़्यादा जो पावर है वो लोकसभा के पास है। लोकसभा पासिस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, लोकसभा में ही सारे बजट जो गवर्नमेंट के हैं वो पास होते हैं या कोई मनी रिलेटेड लॉ होता है। राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता अगर लोकसभा उसे पास कर देता है। राज्यसभा सिर्फ क्या कर सकता है, डिले कर सकता है, डिले कर सकता है, यहाँ पे डिले कर लीजिएगा, डिले कर सकता है 14 डेज के लिए और सजेस्ट कर सकता है या तो उसको चेंज करने के लिए। द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्टेड दिस चेंज, तो लोकसभा की ये अब उसके ऊपर है, वो राज्यसभा के सजेशन को बात को माने या ना माने, लेकिन फाइनल डिसीजन लोकसभा का ही चलेगा। लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा किसको कंट्रोल करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ओनली अ पर्सन हु इंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर भी अपनी जब ही इंजॉय कर सकते हैं अपनी पावर को जब उनको मेजोरिटी मिली हो लोकसभा के अंदर, जब तक ही उनकी पावर है, जब तक कैबिनेट मिनिस्टर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इफ़ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर से दे हैव नो कॉन्फिडेंस, अगर मेजोरिटी मेंबर लोकसभा के वो कह दें नो कॉन्फिडेंस, यानी एक नो कॉन्फिडेंस को मोशन में ले आए पार्लियामेंट के अंदर, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उस टाइम पे और ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, उनको वो जगह छोड़नी पड़ेगी, हैव टू क्विट, यानी जो भी नो कॉन्फिडेंस लेकर आएगा पार्लियामेंट के अंदर उनको और उनको मेजोरिटी सपोर्ट से वो कह देते हैं कि जो ये बनी हुई सरकार है या जो ये मिनिस्टर्स हैं ये हम लोगों को इस पे इन पे विश्वास नहीं है, तो और वो वोटिंग के थ्रू अगर सपोर्ट मिल भी जाता है, क्योंकि वोटिंग होती है, तो जो भी उनको सपोर्ट अगर मिलता है तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ वो उनको क्विट करना पड़ेगा। राज्यसभा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके पास ये पावर नहीं है, लेकिन लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस के थ्रू मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर को क्विट कराने की कॉन्फिडेंस को के मोशन को लाया जाएगा, तो नो कॉन्फिडेंस के सपोर्ट से वोट से उनको
बाहर किया जा सकता है. व्हाट डू यू मतलब गवर्नमेंट चेंज की जा सकती है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एग्जीक्यूटिव इन डेमोक्रेसी. एग्जीक्यूटिव टर्म का मतलब क्या है. डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट अलग अलग काम करती है और रोज़ रोज़ के जो काम होते हैं, जो डिसीज़न होते हैं, वो सब लिए जाते हैं. उन वो फंक्शनरीज होते हैं जो कि ये सब काम करते हैं, उनके पास सुप्रीम पावर तो नहीं होती है बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट की, अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे होते हैं. ऑल दोज फंक्शनरीज, जितने भी ये फंक्शनरीज हैं जो कि गवर्नमेंट के काम कर रहे होते हैं, कलेक्टिवली इनको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है. जैसे सिविल सर्वेंट्स हो गए, IAS ऑफिसर हो गए, यानी जो हम कह सकते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं. ठीक है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है, जो मेरिट के बेस पे आते हैं, जनता नहीं चुनती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करते हैं, वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं. तो जब ये सभी फंक्शनरी जो होते हैं, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव कहा जाता है. और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूशन करने के लिए ये इन चार्ज होते हैं, यही उस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करते हैं. और हम देखें तो, बात करें तो, गवर्नमेंट खुद भी एक एग्जीक्यूटिव है, यानी जो CM हो गए, PM हो गए, ये प्रेसिडेंट हो गए, खुद भी किस में आएंगे, एग्जीक्यूटिव में आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट के जनता के लिए काम कर रहे हैं, यानी लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. क्योंकि जो लॉ बना हुआ है उसको फॉलो करना या उस जनता के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी को करना, एग्जीक्यूट करना किसका काम है, गवर्नमेंट का. तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट हैं, जो अलग अलग सिविल सर्वेंट्स हैं जो इनके लिए इनके नीचे काम करते हैं, वो सब किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हैं. तो एग्जीक्यूटिव के अंदर भी, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, जो परमानेंट है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी जो 5 साल में चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो ये परमानेंट हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये फिक्स रहते हैं, क्योंकि ये मेरिट के बेस पे आते हैं. कोई भी सरकार आए, रूलिंग पार्टी चेंज ही क्यों ना हो जाए, ये अपने काम करते रहे. वो हम अभी इस नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, डिफरेंट बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन डेमोक्रेसी, कि एक्चुअली में पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.